नमस्कार साथियों, आज हम पहुंचे हैं ज़िला मंडी और ज़िला मंडी के अभिलाषी कॉलेज में, जहां पर एक ऐसी शख्सियत के साथ आपको मैं मिलवाने जा रहा हूं जिन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में महारत हासिल की है, जो निरंतर सदा सर्वदा अपनी सेवाओं को लेकर, निस्वार्थ सेवाओं को लेकर जो है आम जनमानस के बीच रहते हैं, बेटियों के प्रति रहते हैं और समाज के प्रति ना जाने उनकी कितनी निस्वार्थ सेवाएं हैं। आज ऐसी शख्सियत के साथ मैं आपको मुखातिब करवाने जा रहा हूं। उस शख्सियत का नाम है पवन भारती जी। पवन भारती जी जो है जिला मंडी से और मंडी में से ब्लॉक जो है पदर से हैं, तो आइए पवन भारती जी आपसे आपको मिलवाऊंगा। पवन भारती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइट ऑफ नेशन में। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं लाइट ऑफ नेशन के चैनल का धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इस चैनल के माध्यम से रूबरू होने का मौका दिया। मन में अगर कुछ करने की भावना होती है तो लोग उन भावनाओं को अपने व्यवहारिक रूप में ढालने के लिए कोशिश तो करते हैं, लेकिन उस कोशिश को ना करके हट कर हम जब काम करते हैं तो वो जज्बा जो समाज के प्रति जो जज्बा करना होता है उसके लिए हम समाज में काम कर रहे हैं। अभी हम बेटिया फाउंडेशन एनजीओ से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम है इनका और बेटियों के ऊपर ही काम करते हैं। और एक बार फिर से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आप चैलन का कि आपने ये इंटरव्यू लिया, धन्यवाद जी। पवन भारती जी, साथ में जैसा कि हमें विदित हुआ है कि आप जो है अपनी जो सैलरी है वो जो है बेटियों के लिए जो है खर्च कर देते हैं, जिसके लिए आप किसी भी आर्थिक अनुदान कहीं से भी नहीं आता है, लेकिन आप अपनी ऐच्छिक जो आपकी अपनी पर्सनल व्यक्तिगत निधि है उस निधि को भी जो है आप समाज सेवा के लिए जो है लगा देते हैं, तो ये भावना कहाँ से पनपी और आज तक इसके रिजल्ट्स क्या आए हैं, थोड़ा सा हमारे तमाम दर्शकों को इसके बारे में जानकारी दीजिए। देखिए, मैं एक मानव होने के नाते ये आपको बताना चाहता हूँ कि ये प्रेरणा मुझे यहीं गांव से, आप हिमाचल प्रदेश के एक क्षेत्र है ऊना में, वहाँ मैं किसी काम बस रूप से गया था। वहाँ पे मैंने जब बेटियों की हालत झुकी झोपड़ी में देखी थी, ये सन 2016 की बात है, तो तब से लेकर आज तक मैं अपनी सैलरी से जो जितनी भी गरीब बेटियाँ हैं उनके लिए काम कर रहा हूँ। और 26 ऐसी लड़कियाँ हैं जो ट्रेनिंग कर रही हैं, कोई BSc नर्सिंग में हैं, कोई लड़की BEd कर रही है, कोई PG के लिए काम पढ़ाई कर रही है, PG की पढ़ाई कर रही है। उन सब बेटियों के लिए मैं अपनी सैलरी से पर मंथ उनके अकाउंट में 1500, किसी के अकाउंट में 2200, किसी के अकाउंट में 2000 कंटिन्यू डालता हूँ। मेरा मोटिव रहता है हर बार कि KG से लेकर के जो हमारी हायर क्लासेस है, एजुकेशन है, वहाँ तक मैं बेटियों के लिए काम करता हूँ और उनके लिए पैसे की सहायता तो अलग सी थी है, लेकिन उनके लिए शूज़, जैसे सर्दी का मौसम अब आ गया तो शूज़ के लिए टेंडरिंग होती है, तो शूज़ प्रोवाइड करता हूँ, स्वेटरों का प्रबंध करवाता हूँ, सॉक्सों का प्रबंध, कैप का प्रबंध, जो बच्चियाँ होती है, बच्चे होते हैं उनके लिए सारा प्रबंध किया जाता है। आपसे जानना चाहूँगा और तमाम दर्शकों को ये बतलाना चाहूँगा आपके माध्यम से कि क्या आज तक आपको कोई सरकारी या अर्ध सरकारी संगठन से इसके लिए कोई सहायता मिली है आज तक, या नहीं मिली है, या व्यक्तिगत आप अपनी सैलरी से ही ये सारा खर्च करते हैं, यह आप तमाम दर्शकों के साथ जो है सारी जानकारी जो है वो साझा करेंगे। मुझे किसी भी संस्था के द्वारा आर्थिक मदद नहीं मिली है, ये मेरा निजी अपनी जेब से ही मैं सारे खर्च करता हूँ। और विदित हूँ कि मतलब जितना भी आज तक मैंने खर्चा किया वो पॉकेट से ही किया, अपनी पॉकेट से किया और करता रहूँगा जी। मैं लाइट ऑफ नेशन के माध्यम से तमाम दर्शकों से एक अपील करना चाहूँगा कि जो ये महायज्ञ हमारे पवन भारती जी ने जो शुरू किया है, तो सभी जो भी दर्शक हमारे जुड़ेंगे तो हम पवन भारती जी का कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर साझा करेंगे, तो इस महायज्ञ में आप पवन भारती जी का सहयोग करें ताकि हमारे समाज में जो बेटियां हैं, जो बेटियों के साथ जो कहीं ना कहीं कोई ना कोई अत्याचार हो रहा है, या फिर बेटियों को जो है पढ़ाने लिखाने में जो दिक्कत आती है, जिसके लिए ये महायज्ञ हमारे पवन भारती जी ने शुरू किया है, इस महायज्ञ में आप
एक आहुति जरूर दें। मैं पवन भारती जी साथ में आपसे जानना चाहता हूं कि हिमाचल के लोगों के लिए आपका क्या शुभ संदेश रहेगा, थोड़ा सा आप हमारे तमाम हिमाचल के और जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं और जो भी हमारे दर्शक आगे इसको देखेंगे तो उनको आप क्या अपना शुभ संदेश देना चाहेंगे। मैं एक मानव होने के नाते सभी हिमाचल वासियों से निवेदन करूंगा कि वे आगे आएं और जो समाज में जो पिछड़ा हुआ तबका है उसको ऊपर उठाने की कोशिश करें ताकि हमारा जो समाज है वो शिक्षित हों और जितनी भी सामाजिक बुराइयां हैं वो दूर हों। जब तक हमारे समाज में जो बच्चे हैं वो पढ़ेंगे नहीं और अच्छी उनकी एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन नहीं होगी तब तक विकास और जो हमारी जो रूढ़ बातें हैं वो ख़त्म नहीं होगी। तो ये थे हमारे पवन भारती जी जिन्होंने अपने व्यक्तिगत विचार जो हैं लाइट ऑफ नेशन के माध्यम से आप तमाम दर्शकों के साथ साझा किए हैं। पूरी टीम की ओर से जो है हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आपको कोटि कोटि वंदन और नमन करते हुए सब दर्शकों को जय हिंद जय भारत।